नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी ने हिंदुस्तान में तेजी के साथ पांव पसारे। साथियों, एक तरफ कोरोना की मार जिससे मजदूरों की मजदूरी गई, नौकरी वालों की नौकरी गई और बिजनेसमैनों का बिजनेस ठप हो चुका है, उसके बावजूद हमारे देश की सरकार, केंद्र की सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने का काम कर रही है। रसोई गैस की सब्सिडी जो चालू थी उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। डीएपी के रेट बढ़ाने का काम किया जा रहा है। साथियों, मैं आप सब लोगों के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने का काम कीजिए, सब्सिडी रसोई गैस पे देने का काम कीजिए। डीजल पेट्रोल के दाम अगर कंट्रोल होंगे, जीएसटी के दायरे में आएंगे, निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा तो हमारे खाद्य सामग्री की कीमतें भी सस्ती होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी के हालात हुए हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुका है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के हालात खराब हैं, उस तरीके से देश की जनता के ऊपर आर्थिक भार डालने का काम आप मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, इस देश की जनता ने भारी बहुमत के साथ आपको कुर्सी पर बैठाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की जनता की आवाज़ को सुने, डीजल पेट्रोल के दाम घटाने का काम करें, रसोई गैस पर सब्सिडी पुनः चालू करें और हमारे मेडिकल की जो दवाई आ रही है इस समय कोरोना की, उन पर जीएसटी मुक्त करने का काम उनको कीजिए, ताकि इस देश की जनता को कोरोना से मुक्ति मिले, इस महंगाई से मुक्ति मिले। वरना जिस जनता ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है, वो जनता इस कुर्सी से उतारना भी जानती है। बहुत बहुत